हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ यश और आज हम 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन करेंगे। तो ये 11 मिनट की डिक्टेशन है 1000 वर्ड्स की, तो इसका मतलब हुआ कि 90 की स्पीड से डिक्टेशन रिकॉर्ड की गई है। ओके फ्रेंड्स, और मैंने फ्लक्चुएट कर दी है वॉइस को, ठीक है। तो और अगर फ्रेंड्स आपको यही वीडियो 100 की स्पीड में चाहिए तो 100 की स्पीड में बनाया हुआ है हमने यही डिक्टेशन। मैं उसको ए के नाम से सेव कर दूंगा और इसको बी के नाम से सेव कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। शिक्षा सर्वांगीण चाहिए, समुद्र जैसा बाहर से दिखाई देता है, वस्तुतः वैसा ही या उतना ही नहीं है। बाहर की सतह पर सिर्फ कुछ लहरें उठती या तैरती दिखती है। वह समतल लगता है पर भीतर उसके सिवाय भी बहुत कुछ है। उसकी गहरी गहराई मीलों की है। प्रचंड जल धाराएं बहती है। लाखों प्रकार के जलचर इतनी अधिक संख्या में हैं जितने इस धरती पर भी नहीं रहते। खनिज तथा दूसरे प्रकार के पदार्थ असीम मात्रा में भरे पड़े हैं। यही सब मिलकर समुद्र में न कि उतना स्वल्प जितना कि खुली आंखों से सतह पर दिखता है। पैरा जीवन समुद्र की तरह है, उसकी सतह छोटी होती है। खाना, कमाना, सोना, हंसना, रोना जैसे क्रियाकलापों की हलचल मात्र जीवन नहीं है। शरीर और परिवार मात्र तक से वह सीमित नहीं है। जीवन की तरह में अनेक प्रकार के सुख दुख, आनंद, चिंतन, आकर्षण, विग्रह, उद्वेश, अवरोध, भ्रम, भय भरे पड़े हैं। उसमें परस्पर विरोधी प्रचंड धाराएं बहती है जो एक दूसरे से टकराती भी है और एक दूसरे को उदरस्त भी करती है। विस्फोट, कंप और तूफान भी आते हैं और कई बार ऐसे प्रत्याशित शक्ति चक्र उफन पड़ते हैं जिनसे सागर ही नहीं धरती भी प्रभावित होती है। इस प्रकार दूसरा समुद्र ही जीवन है। इसकी तुच्छता इतनी नहीं है जितनी कि आमतौर से समझी जाती है। पैरा आजकल विद्यार्थियों को जीवन के आरंभ से ही यह सिखाया जाता है कि उसे क्लर्क, अफसर, व्यापारी, डॉक्टर आदि बनना है। इसी के लिए स्कूल उन्हें तैयार भी करते हैं, किंतु कोई यह नहीं बताता कि जीवन का क्षेत्र कितना बड़ा और कितना गहरा है। उसे ठीक तरह समझने और उपलब्धियों से लाभान्वित होने के लिए सोचने और करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? पैरा स्कूली वातावरण परीक्षाएं पास कराने में व्यस्त हैं। मस्तिष्कीय कुशलता के आधार पर उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है। उपलब्ध परीक्षा अंकों के आधार पर उनके स्तर का वर्गीकरण किया जाता है। जिसे कम परीक्षा मिले उसे अधिक नंबर पाने वाले की तुलना में श्रेय ठहराया जाता है। इस प्रकार ऊंच नीच के आधार पर टिकी एक नए किस्म की जाति बिरादरी खड़ी हो जाती है। हो सकता है कि मस्तिष्क का एक अंश प्रकृति प्रदत्त ढंग से विकसित होने के कारण
कोई अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हो, किंतु जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उसकी पहुंच बहुत ही बोड़ी और गंदी हो। क्या मनुष्य की श्रेष्ठता का श्रेय परीक्षांकों के आधार पर ही निर्धारित होना चाहिए? जिन्हें कम नंबर मिले हैं, क्या उन्हें बुद्धू निकम्मा हेस स्तर का घोषित कर दिया जाना चाहिए? शिक्षा का प्रयोजन छात्रों को कमाऊ बना देना भर नहीं होना चाहिए। यदि इतनी ही बात है तो उन्हें इतना श्रम कमाने और समय गंवाने की क्या आवश्यकता है? ? बाप दादों के धंधे में कुशलता बिना पढ़े या कम पढ़े होने पर भी प्राप्त की जा सकती है, और नौकरियों में मिलने वाली राशि की अपेक्षा अधिक आमदनी की जा सकती है। शिक्षा का उद्देश्य उससे अधिक विस्तृत होना चाहिए। यदि जानकारियां मस्तिष्क में ठूसने का नाम ही शिक्षा है, तो उसका सरल तरीका यह है कि कोई साक्षर व्यक्ति विश्वकोश उठाकर अपनी रुचि के विषयों का विवरण पढ़ने लगे तो उन्हें इतनी अधिक जानकारियां उपलब्ध हो जाएगी जितनी अध्यापकों को भी नहीं होती। इतनी सी बात के लिए कष्ट साध्य पढ़ाई के में सिर क्यों कपाया जाए? ? समय क्यों गंवाया जाए? ? पैरा, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए यथार्थता का ज्ञान। दुनिया वैसी ही नहीं है जैसी कि हमें दिखाई देती है या बताई जाती है। व्यक्ति और समाज की समस्याएं वही नहीं है जिनकी चर्चा की जाती है। यथार्थता की तली तक पहुंचने के लिए किस प्रकार की गोताखोरी की जानी चाहिए, इसी कला का सिखाना शिक्षा का उद्देश्य है। भ्रांतियों, विकृतियों और कुरूतियों के बंधन से छुटकारा पाकर स्वतंत्र चिंतन की क्षमता प्राप्त करने और जीवन तथा विश्व का यथार्थ स्वरूप समझ सकने के योग्य तीक्ष्ण दृष्टि प्राप्त करना, इसी का नाम मुक्ति है। तत्वदर्शियों के कथानुसार इसी मुक्ति को करतलगत बनाना शिक्षा का मूलभूत प्रयोजन है। पैरा, शिक्षा का लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए छात्र में वह साहस विकसित करना पड़ेगा कि वह विवेक और तथ्य का सहारा लेकर यथार्थता की तरह तक पहुंच सके। दादी क्या कहेगी? ? लोग क्या कहेंगे? ? पुस्तकों में क्या लिखा है? ? शिक्षकों ने क्या समझाया है? ? लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं? ? इन सब जंजालों के आवरण चीरकर जो लोग सत्य को समझने और स्वीकार करने को तत्पर हो सके, ऐसी रित्म भरा प्रज्ञा को प्रसूति से विरत कर सक्रिय जागरण में संलग्न करना ही विद्या का मूलभूत उद्देश्य है। यदि हमें ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिलता तो शिक्षा कैसे पूरी हुई? ? पैरा, आज सर्वत्र भय का साम्राज्य है। हर व्यक्ति बेहतर डरा हुआ है। अवांछनीय और अनुचित को जानते मानते हुए भी उसे अस्वीकार करने का साहस नहीं होता। अपनी मौलिकता मानो मनुष्य ने खो ही दी है। अपने पास मानो उसकी कोई समझ है ही नहीं।
जो कुछ कहा, बताया और कराया जा रहा है, उसे ही पालतू जानवर की तरह मानने और करने को तैयार रहने वाली मनोभूमि एक प्रकार से पराधीनता के पाश में जकड़ी हुई है। ऐसा बंधित और बाधित व्यक्ति शिक्षित कैसे कहा जाए? आज सर्वत्र भय, अविश्वास, संदेह और आशंका का साम्राज्य व्याप्त है। एक देश दूसरे देश से डरता है दूसरा संक्रमण न कर दे, इसलिए सैन्य शक्ति बढ़ाता है, उसे दूसरा पक्ष अपने ऊपर आक्रमण की तैयारी मानता है। इस प्रकार संदेह और भय के कारण दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी में जुटे रहते हैं और चीर पोषित भ्रांतियां तनिक से कारण पर युद्ध के रूप में परिणित हो जाती है। राष्ट्रों के बीच फैला हुआ भय सामाजिक, धार्मिक, जातीय एवं व्यक्तिक क्षेत्रों में भी व्याप्त है। चिंतन में यथार्थता की मात्रा घटती और भ्रांतियों का घटा टोप बढ़ता चला जा रहा है। भौतिक सुख को प्राथमिकता दी गई है और आत्मिक उल्लास को उस पर न्याछावर कर दिया है। कुमार्गामित पथ प्रदर्शन कर रही है। सत्य पथ पर चल सकने का एहसास कुंठित हो चला जा रहा है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, हमारी डिक्टेशन समाप्त होती है। 1000 वर्ड की डिक्टेशन थी और इसको करने में लगभग 11 मिनट लगे, तो इसका मतलब इसकी स्पीड हुई 90 की। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के। ओके फ्रेंड्स, तो आज का यहीं समाप्त होता है। ओके।